फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल चांदगढ़ व्लॉग्स। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी मॉर्निंग का लगभग 10:45 हो रही है और मैं अभी से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे आज बहुत काम है, कपड़े भी धोने हैं, खाना भी पकाना है, तो धीरे धीरे मैं करते जाऊँगी और व्लॉग भी बनाते जाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, मैं कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया है और अभी मैं साग काट रही हूँ, क्योंकि अगर वेट करूँगी कि कपड़ा पूरा धुल जाए तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये डाटा साग है और ये डाटा साग अभी मैं काट रही हूँ, और ये काटने तक मेरा कपड़े भी धुल जाएंगे, तब फिर मैं ड्राई कर लूँगी। देखिए, मम्मी सुबह का पूजा कर रही है। हर रोज़ मम्मी का यही काम होता है कि नहा के ना वो पूजा करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने साग काट लिया है, मम्मी ने भी पूजा ख़त्म कर लिया है आज। तो अभी मम्मी ना कपड़ोल काट रही है। इसे शायद इंग्लिश में स्पाइनी गॉड या फिर टीजल गॉड भी बोलते हैं, और हम लोग काकरोल नहीं तो भात करोला भी बोलते हैं। उसका फ्राई बनेगा आज, साग बनेगा और दाल बनेगा। दाल चढ़ा दिया है, अभी ये बॉयल हो चुका है, अभी सिर्फ उसको तड़का लगाना है। तो बहुत ही शॉर्टकट मेन्यू बना रही हूँ आज, तो आज इसी से हम लोगों का लंच होगा। तो मैं फटाक से ये बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, तड़का लगाने से पहले मैं थोड़ा पानी उबाल के दाल में ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने जब दाल उबाला था ना तो बहुत कम पानी यूज़ की थी। तो अभी थोड़ा और पानी गर्म करके ऐड करूँगी। जब तक पानी गर्म हो रहा है, मैं इसमें नमक हल्दी डाल के मिला रही हूँ। कुछ ग्रीन चिलीज़ भी मैं ऐड करूँगी। ये देखिए, पानी मैंने मिला दिया है। अभी गर्म तेल में रेड चिल्ली, लहसुन और प्याज डाल के मैं तड़का लगाऊंगी। लगा दिया है, और तड़का लगाने के बाद ना मैंने कढ़ाई ना छोटा चूल्हा में शिफ्ट कर दिया है, और इस चूल्हा में मैं स्पाइनी गॉर्ड को ना थोड़ा उबाल लूँगी। उबालने से क्या होता है, ये बहुत जल्दी बन जाता है। और देखिए, दाल हो गया है। और अभी मैं फिर से कढ़ाई को ना उस छोटा वाला कढ़ाई को शिफ्ट कर दिया है, ताकि मैं बड़ा कढ़ाई में साग बना सकूँ। साग भी बहुत सिंपल साग है ये, तो सिर्फ इसमें रेड चिल्ली और प्याज डाल के हल्दी और नमक ऐड करके ही बनाना है, इसमें कोई तामझाम नहीं है। तो देखिए, मैंने प्याज और रेड चिल्ली को थोड़ा फ्राई करके अभी मैं इसमें साग डाल दिया है, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। मैं थोड़ा आज जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दीदी भी आने वाली है, तो वो आने के बाद उसको भी भूख लगेगी, तो
वो भी खाना खा लेगी। तो ये देखिए मैंने इसमें हल्दी और नमक मिला के कुछ देर ढक के पकाऊंगी ना, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगी। पर मैं इसे ढकने से पहले ना थोड़ा अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसको ढकूंगी, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाएगा। तो ये देखिए मैंने ढक के इसको रख दिया है, और उधर में मेरा जो गॉड है ना वो भी अभी बॉयल हो चुका है। तो मैं इसे उतार के अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैं थोड़ा हल्दी और नमक ही ऐड करूँगी, और नमक ऐड करने के बाद मैं इसे हल्दी और नमक को थोड़ा मिला लूँगी, और फिर एक एक पीस लेके ना उसको कोट करके गरम तेल में तल लूँगी। और क्योंकि ये पहले से ही बॉयल किया हुआ है तो ये फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। तो अभी मैं एक कढ़ाई में ना थोड़ा तेल गरम करूँगी, और इसे बैच वाइज में फ्राई करूँगी। मेरा फर्स्ट बैच जो है वो फ्राई होके तैयार हो गया है। तो अभी मैं इन सब को उतार लूँगी, और बैच वाइज बाकी सारे गॉड को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मेरा दूसरा चूल्हा में ना ये साग भी बनके लगभग तैयार हो गया है। अभी मैं इसे ना थोड़ा देर खोल के ही ना ढक्कन खोल के ही मैं इसे पकाऊंगी, और ये भी बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने खाना बना लिया है और सबको परोस के फिर मैंने खुद भी खा लिया है। मैं ना वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं जब वीडियो कर रही थी ना तो अचानक मैंने देखा कि बैटरी बहुत लो हो रहा था, तो इसलिए मैंने शूटिंग थोड़ा बंद कर दिया और फिर मैंने बाकी काम कर रही थी। तो अभी फ़िलहाल फुल चार्ज हो गई है, और हम लोगों ने सब लंच करके अभी है मम्मी अंदर सो रही है, और मैं और नेफ्यू इधर पे बैठा हुआ है। देखिए हाय बोलो सबको, हाय। और नेफ्यू और हम दोनों बैठे हुए हैं, और दीदी भी आई थी आज। और दीदी एक्चुअली उसने एक नया फ़ोन ख़रीदा, कुछ सेटिंग करना था तो वो सेटिंग मैंने कर दिया है, और अभी दीदी वापस जा रही है। तो अभी फ़िलहाल दीदी को बाय करके और फिर हम लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे ना। यस yes. हाँ तो चलिए अभी दीदी को बाय कर लेते हैं। तो दीदी अभी जा रही है। Same to you. Bye. अच्छे से जाना। फिर तुम घर चलो चलो। देखिए वो सेकंड फ्लोर में हमारा घर है। फिलहाल अभी हम लोग दीदी को बाय करके हम अभी फिर से हम लोग नीचे आ गए थे तो दीदी को ड्रॉप करने के लिए थोड़ा, और अभी हम लोग फिर से घर जा रहे हैं। धीरे धीरे जाओ। डोंट रन। पहुंच गया हूं। तो फ्रेंड्स अभी मैं जस्ट
उठी हूँ, पर रेस्ट करके मैं सो नहीं रही थी बल्कि थोड़ी रेस्ट कर रही थी। और अभी उठ के ना मैं थोड़ा सामान जो बिखर जाता है ना वो इधर का उधर जो हो जाता है शाम तक वो ठीक कर रही थी, और मम्मी चाय बना रही है। तो चलिए देखते हैं किचन में जाके। ये देखिए नेफ्यू भी इधर ही है। तो रिद्धि इधर में क्या चल रहा है? अभी मेरी नानी नाश्ता बना रही है छोटा-मोटा। क्या नाश्ता बना रहा है एक हमको दिखाओ। ये देखिए। ओह क्या है ये? पोहा। पोहा ठीक है। किसने बनाया? मेरी नानी ने। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा तो तुमने बनाया। फ्रेंड्स ये देखिए इधर पे दूध गर्म करने के लिए रखा है और इधर पे चाय बन रही है। आज सुबह में ना दूध नहीं उबाला है तो अभी दूध उबल रही है मम्मी, और यहाँ पे चाय बन रही है। अभी सिर्फ पोहा खाओ, ये खाने का जरूरत नहीं है। रामपम खाने का नहीं, नहीं अभी रामपम मत खाओ। अगर तुमको रामपम खाना है तो सिर्फ ये खाओ, पोहा मत खाओ। ठीक है। दोनों खाने से पेट में दर्द होगा। तो फ्रेंड्स हम सब ने चाय पी लिए हैं और अभी सब टीवी देखेंगे, और मैं स्कूल का बहुत सारा काम रह गया है तो मैं वो करूँगी। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यही पेन करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ और एक ब्लॉग के साथ। टिल देन सी यू एंड बाय।